ये सब क्या है रोशनी? कौन है ये लोग और आपने इन्हें यहां क्यों बुलाया है? मेरे स्वयंवर के लिए। मेरे स्वयंवर के लिए। स्वयंवर? आपका स्वयंवर? अब हर कहानी में एक राजा और एक रानी होते हैं। अपना राजा ढूंढने के लिए मैंने एक स्वयंवर रखा और काली दुनिया के इन तीन राजकुमारों में से जो भी जीतेगा मैं उससे निकाह करूंगी। रोशनी, दिमाग खराब हो गया है क्या? नवाब साहब से शादी हो चुकी है तुम्हारी? हुई थी अम्मी, फिर मैंने इन्हें छोड़ दिया। क्योंकि खान बाबा आयाना रोशनी के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन काला जिन रोशनी के लिए नहीं। अगर मैं साबित कर दूं मैं काले जिन रोशनी के लिए भी सही हूं तो? कैसे? यह स्वयंवर आपने अपने राजा ढूंढने के लिए रखा है, मतलब जो ये स्वयंवर जीतेगा आप उसे निकाह करेंगे। अगर मैं ये स्वयंवर जीत जाऊं तो? ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस स्वयंवर में कौन हिस्सा लेगा उसकी लिस्ट ऑलरेडी बन चुकी है और उसमें आपका नाम नहीं है। और से देखिए, इस लिस्ट में मेरा नाम तो है कि अमीफा। ये धोखा है। मोहब्बत, जंग और काले जिनों की दुनिया में सब जायज है। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं नवाब साहब, बहुत बड़ा दांव है ये, हार जाएंगे आप। मुझे जो जीतना है उसके लिए तो मैं अपनी जिंदगी भी दांव पे लगा दूंगा। और मैं आपको जीतने नहीं दूंगी। और मैं हार नहीं सकता। अमन, तुमने कह तो दिया, पर तुम्हारे लिए स्वयंवर जीतना आसान नहीं होगा। उन तीनों जिनों के लिए काले जिन से शादी करना बहुत बड़ी बात है, इसीलिए वो इस स्वयंवर को जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मुझे परवाह नहीं था इसे, सिर्फ इतना पता है कि मुझे उन तीनों को हराना है हर हाल में, रोशनी के लिए। तुम ये सब रोशनी के लिए कर रहे हो, पर तुम्हारे रास्ते में सबसे बड़ा खतरा खुद रोशनी ही है। वो बिल्कुल भी खुश नहीं है कि तुम स्वयंवर में हिस्सा ले रहे हो, और काला जिन होने के नाते वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि तुम इस स्वयंवर को जीतो। उसके चाहने ना चाहने से क्या होता है, हम दोनों जानते हैं कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। कोई काला ताज, कोई स्वयंवर इस बात को झुठला नहीं सकता है। इस लड़ाई में हम सब तेरे साथ हैं अमन, मुझे पूरा यकीन है कि ये स्वयंवर तू ही जीतेगा। बेबी, अब इन बुक्स में से क्या ढूंढना है? टेल मी नाउ, उस कार्ड में क्या लिखा था? रिहान, आर यू लिसनिंग? आई एम टॉकिंग टू यू। सुन लिया, हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहा। अरे ये रिहान मेरी प्यारी नताशा को परेशान करता रहता है। बेबी, आर यू ओके? दूर हटो तुम, प्यारी नताशा का ख्याल रखने के लिए मैं हूं। प्यारी नताशा, आपको चोट तो नहीं लगी? प्यारी नताशा के बच्चे, अगर दोबारा मुझे छूने की कोशिश भी की ना, यही जमीन पे गाड़ दूंगा। प्यारी
देखते हैं आप में से कौन मेरा शौहर बनने के लायक है। मैजिकल वर्ल्ड्स में आपको चैलेंज की सारी जानकारी मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। मेरी मैजिक बॉल तो आई नहीं है, मैं भी तो स्वयंवर का हिस्सा हूँ। मैंने आपको बताया था ना, आपने लिस्ट में नाम देने में थोड़ी देरी कर दी और मैंने चैलेंज की तैयारी कर ली थी इन तीनों के लिए। सो बैड लक। शुक्र मनाइए नवाब साहब, आप बच गए। वैसे भी ये आपके बस की बात नहीं है। भाई अब क्या करेंगे आप? सिर्फ तीन ही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे तो जीतोगे कैसे? कैंडल को जला के देखता हूं, शायद इस मैजिक बॉल से स्वयंवर के बारे में कुछ पता चल जाए। भाई भाई ये मुझसे नहीं होगा। वैसे भी आप ये मत भूलिए, मैं सिर्फ बाहर से नताशा हूं, अंदर से मैं रेहान हूं। मुझसे नहीं होगा ये, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। हाँ ये बात तुम्हें पता है, मुझे पता है, लेकिन उसे तो नहीं पता ना। और हमें ये भी पता है कि वो तुम पे भाई पिन मुझ पे लट्टू है। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ जाके उससे बात करनी है प्यार से। भाई उसके साथ ये तो इसके लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। तुम ना चुप ही करो प्लीज। ठीक है। Hi, handsome. Handsome? I'm sorry, Aman. But मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे भाई से ये हो पाएगा। I mean, ये घटिया acting. सही जा रहा है यार। Oh my God, कितनी गर्मी है ना यहाँ पे? मैं ना आपके लिए cold drink लेकर आती हूँ। अब यहीं पे रुकिए। नहीं, नहीं, रुकिए तो। हाँ जी, बोलिए ना। जी. आप इतनी बदल कैसे गई? वो क्या है ना कि मैं नहीं चाहती थी कि किसी और को पता चले कि मैं आपको पसंद करती हूँ। अब मैं आपको पसंद नहीं करता। सुनिए ना, आप एक बार मेरी तरफ देखिए तो सही, देखिए ना मेरी तरफ। मैंने कहा मेरी तरफ देखो वरना।
मुझे इस स्वयंवर में अब हिस्सा नहीं लेना है, क्योंकि मुझे मेरी दुल्हन मिल चुकी है। तो मैं इस स्वयंवर में हिस्सा ले सकता हूँ।